ईद मिलन जैसे कार्यक्रमों से बढ़ता है भाईचारा, पालक मंत्री। अकोला ईद मिलन जैसे कार्यक्रमों से भाईचारा बढ़ता है, आपसी सहयोग और विश्वास से ही देश का विकास होता है। अकोला शहर के सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने में आयोजक जावेद भाई की भूमिका सराहनीय है, ऐसा उल्लेख कर पालक मंत्री रंजीत पाटिल ने उपस्थित सभी को ईद की शुभकामनाएँ दी। स्थानीय KMT हॉल में अकोला कच्ची मेमन समाज की ओर से ईद मिलन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती बरार अब्दुल रशीद साहब थे। प्रमुख उपस्थिति में गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल, विधायक गोपीकिशन बाजोरिया, अशोक ओलंबे पाटिल, श्रीकांत दादा पाटिल, विट्ठल सरप पाटिल, एडवोकेट सत्यनारायण जोशी, नकीर खान आदि मान्यवर थे। देश में अमन शांति की दुआ के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। कच्ची समाज के द्वारा मान्यवरों का सत्कार हुआ। माननीय रंजीत पाटिल, विधायक गोपीकिशन बाजोरिया, श्रीकांत दादा पाटिल, एडवोकेट जोशी सहित कई मान्यवरों ने उपस्थितियों को शुभकामनाएं दी। शिरखुरमे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अब्दुल रहमान सेठ, लतीफ खत्री, हाजी अनिक साहब, नसीरुद्दीन सूफी, माजी नगर सेवक नकीर खान, इस्माइल नाजमी, सोहेल खान, नासिर खान, विदर्भ मेमन जमात के अध्यक्ष बिलाल ठेकिया, अकोला कच्ची मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद जकरिया, सचिव सलीम गाजी, सह सचिव वहीद मुसानी आदि उपस्थित थे। कैमरामैन सईद खान के साथ समीर खान की रिपोर्ट। कार्यक्रम होता गया था, सभी समाज के लोग इसमें हाजिर थे। अकोला के पालक मंत्री, अकोला के आमदार मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की सदारत में ये प्रोग्राम किया गया था और सभी को अकोला कच्ची मेमन जमात की तरफ से ईद की हार्दिक बधाई। देखिए MUPS अकोला न्यूज़, हर खबर आपके सामने।